अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए अज़ीम हाज़िर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम मज़ेदार आसान टू दी पॉइंट बेसिक जेली जो है हमारी जेली उसे बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक। दोस्तों मैंने 2 कप पानी ले लिया है, ये 200 मिलीलीटर का 1 कप है। मैंने 200 मिलीलीटर पानी लेकर से उबाल लिया है और जिस मोल्ड के अंदर आपने इसे जमाना है तो आपने वो दे देना है। तो मैंने ये 2 लिए शीशे के, जैसे जनता मैं दिखाता हूँ। और मैंने 1 पैकेट जेली का लिया है, ये 85 ग्राम का है। तो इसमें 400 मिलीलीटर पानी जाता है 2 कप के करीब। इसे उबलते हुए पानी में आपने डालने, चले दोस्तों मैं इसे डालता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, मैंने पैकेट खोल लिया है रफान कस्टर्ड जेली का, सॉरी कस्टर्ड कह रहा हूँ, रफान जेली का। तो इसमें हम शामिल करेंगे खोलते हुए पानी में, और दोस्तों ये 15 मिनट आपने रूम टेम्परेचर बाहर रखना है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा आप फ्रिज में रख देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये जम जाएगी। ये क्रिस्टल क्यूक सेट जेली है और आप भी अच्छी कंपनी का ही इस्तेमाल कर कीजिएगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। नहीं जी दोस्तों, जेली पाउडर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसे जिस बर्तन में से जमाना है हमने उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये आप इसमें डाल दें, हाफ़ इसमें डाल देते हैं, हाफ उसमें डाल देते हैं। ये 200 मिलीलीटर का हमारा है बर्तन। चलिए दोस्तों 15 मिनट इसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, फिर 15 मिनट के बाद हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ताकि अच्छा ठंडा हो जाए, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारी जेली ठंडी हो गई है और जम भी गई है, देखिए कितनी जिगली है और मज़ेदार भी है। इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बेसिक रेसिपी मैंने आपको बनाना सिखाई है। हमने 400 मिलीलीटर पानी लेकर उसे उबाल लिया और उसे फिर उसके अंदर मैंने 85 ग्राम जो हमारा आता है रफान का जेली का पैकेट वो मैंने डाल के इसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया 15 मिनट के बाद। उसके बाद मैंने रेफ्रिजरेटर पर रख दिया। अब आप इसके मन चाहे इसके पीसेस कर सकते हैं। और दूसरा, मेरा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकॉन को लाजमी दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों अब आप इसके जैसे मर्जी पीसेस कर सकते हैं, इसे क्यूब्स में काट दें या जैसे भी आपका दिल करता है। देखिए इस तरह आप इसे क्यूब में भी काट सकते हैं ऐसे। तो आप इसे मुख्तलिफ डेजर्ट्स में, खीर के अंदर, रबड़ी के अंदर और आपकी लबे शीरी, दूध दलारी वगैरह जो भी आपकी डेजर्ट्स हैं उसके अंदर आप इसे इजीली डाल सकते हैं इन क्यूब्स को इस तरह। और इसे आप लबे शीरी में, दूध दलारी में और क्रीम कस्टर्ड वगैरह में भी डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।